ये अम्बाला के जनसुई का सरकारी स्कूल है। कुछ महीनों पहले तक ये ऐसा नहीं था। इस स्कूल की बदहाली इसकी पहचान हुआ करती थी, मगर अब हालात बदल गए हैं। और ये हालात किसी सरकारी फंड से नहीं बदले, बल्कि इसके पीछे यहाँ की एक लेक्चरर मीना सबरवाल है, जिन्होंने पहले अपने खर्च पर स्कूल की दशा सुधारने की कोशिश की और फिर धीरे धीरे गांव वालों ने अपने प्रयास से इस स्कूल की शक्ल बदल दी। मुझे लाड़ने वाले भी सर ही थे यहाँ पे, जो प्रिंसिपल सर थे, और एक सपना था कि हमने स्कूल को नंबर वन बनाना है। अब सर चले गए थे, लेकिन उनकी कमी जो है पूरी तो खैर नहीं की जा सकती, लेकिन जो मेरी टीम थी उन्होंने आज भी, अब भी एट प्रेजेंट वो मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा, और जो मेरे गांव के लोग हैं वो भी बहुत साथ दे हैं। जब स्कूल को मिली ग्रांट वापस चली जाने के बावजूद मीना सबरवाल ने तय किया कि स्कूल की तस्वीर तो बदलेगी ही, इरादा बुलंद था, तो धीरे धीरे बाकी टीचर्स और ग्रामीणों ने भी दिल खोलकर सहयोग दिया। जनसुई फौजियों का गांव कहा जाता है। मूल रूप से कैथल के सेक्टर 19 की रहने वाली मीना सबरवाल खुद 60 किलोमीटर दूर से कार चला कर आती हैं। स्कूल में 350 बच्चे हैं। आज स्कूल में अच्छा पार्क, आधुनिक लाइब्रेरी तैयार की गई है। होटल के बड़े कॉन्फ्रेंस रूम की तरह दिखने वाली लाइब्रेरी में राउंड टेबल व कुर्सियां, पीवीसी कॉल सीलिंग, पेंटिंग व टाइल लगाए गए हैं। पूरे स्कूल का दोबारा से प्लास्टर कराया गया है। स्कूल के आंगन में पार्क तैयार किया गया है। चार दीवारी बन गई है। सभी दीवारों पर पेंटिंग्स कराई गई हैं और देशभक्ति व जागरूकता संबंधित नारे उकेरे गए हैं। स्कूल गेट से ही सुंदरता झलकनी शुरू हो जाती है। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।